नमस्ते। नाज फाउंडेशन का तरफ से हम लोग लोहरदगा और लातेहार में काम शुरू किए हैं। तो लोहरदगा लातेहार में जो काम शुरू किए हैं ये अल्ट्रा पोर फैमिली का साथ काम होता है। तो अल्ट्रा पोर फैमिली मतलब ज़्यादातर पीवीटीजी लोग और कुछ नॉन पीवीटीजी जगह से भी है। पीवीटीजी में देखेंगे तो पीवीटीजी लोगों का अंदर हम लोग जिन लोगों का पास में एसेट 7000 रुपया से कम है, घर का स्थिति उतना अच्छा नहीं है, अपना ज़मीन बहुत नहीं है जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं कर पाते हैं, अपना आजीविका चलाने का उतना साधन नहीं है और जो पलायन के लिए बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, इन्हीं लोगों का सिलेक्ट किया गया है। उन्हीं लोगों का अंदर एक दीदी है हम लोगों का। दीदी आपका क्या नाम है? तो उसी दीदी का अंदर फुलेश्वरी पढ़ाया एक दीदी है हम लोगों का, जो अम्बा खोल का गांव है, ये चांदवा ब्लॉक का अंदर आता है। इन दीदी को हम लोग चुने हैं और इन दीदी के साथ हम लोग काम शुरू किए हैं। तो शुरुआत का स्तर में दीदी का खेतीबाड़ी, खरीफ का समय में एक खेतीबाड़ी का प्लान है, खेतीबाड़ी में टोमेटो का प्लान हुआ है और टोमेटो खेती दीदी किए हैं। और साथ में मुर्गी का पालन होगा, जो मुर्गी पालन के लिए वो घर बनाना शुरू कर दिए हैं। तो हम लोग आएंगे, थोड़ा खेती का ऊपर बात करेंगे, खेती को थोड़ा देखेंगे। अपना जो जगह था बरंदा टाइप का जगह है, वहाँ पे ये फ्रेम लगा के हम लोगों का ट्रेनिंग का अनुसार ये ट्रेनिंग शुरू किए हैं, मतलब ये फ्रेम शुरू किए हैं और इसमें अगले नवम्बर से जाके वो मुर्गी पालन यहाँ पे शुरू करेंगे। दीदी शुरुआत का स्तर में फुलेश्वरी पढ़ाया जो है ये 5 डेसिल में टोमेटो का खेती शुरू किए हैं और उधर 3 डेसिमिल में भिंडी का खेती शुरू करने वाले हैं। तो टोमेटो खेती अभी शुरू हुआ है और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि टोमेटो खेती से उनका 20 से 25 हज़ार का मुनाफा होगा शुरुआत का साल में। तो इसी साल में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं दीदी खेती भी सीख जाएंगे और आगे से खेती करना शुरू करेंगे हर सीजन में। तो ये शुरुआत का स्तर का खेती है, साथ में मुर्गी का पालन भी